वेलकम ऑल ऑफ माई लर्नर्स इन माई न्यू वीडियो विथ ए न्यू ब्रांड न्यू टॉपिक यू कैन से। और आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भी है बट इंटरेस्टिंग भी है। चलिए बात कर लेते हैं क्या है। मैं हूँ महेश नागर और आप देख रहे हैं इंग्लिश फ्रॉम होम एंड सीख रहे हैं धनाधन। ठीक है, इपिग्राम। इपिग्राम दो पर्पस के लिए यूज किया जाता है। मीन्स इपिग्राम इज यूज फॉर टू पर्पसेस। द वन इज द टाइटल ऑफ पोयम, यानी कि पोयम की कैटेगरी बताने के लिए, और इपिग्राम एक फिगर ऑफ स्पीच हम कह सकते हैं या लिटरेरी डिवाइस कह सकते हैं जो कि पोएट्स यूज करते हैं। कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, कब से शुरू हुआ है, हर एक बात हम इसमें करेंगे। लास्ट वीडियो को देखिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट नए नए वीडियोज आपको अच्छे अच्छे मिलते रहें। चलिए इपिग्राम की बात करते हैं। ये एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग इनसाइटफुल आइडिया होता है, यानी कि बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। ये पोएट्री का फॉर्मेट होता है, लेकिन आजकल के पोएट इसको एज ए पोयम यूज नहीं करते हैं, एज ए लिटरेरी डिवाइस ये यूज करते हैं। शॉर्ट होती है, इंटरेस्टिंग होती है, इनसाइटफुल आइडिया होता है, और ये बात करता है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की, और वो भी इसका मैनर क्या होता है। इसका मैनर होता है वीटी, यानी कि बहुत बुद्धिमानी वाली बात करते हैं इसमें। सटायरिकल होता है और फनी मैनर में ये बात कही जाती है कि, यानी कि अगर कोई, हम ये बोल सकते हैं कि जो लेस टैलेंटेड व्यक्ति है, जो वॉइस नहीं है, विटी नहीं है, विट जिसके पास बहुत कम है, अगर वो इन पोएम्स को या इन सेंटेंसेस को पढ़े तो वो उसको हंसी आ जाएगी और उसको समझ नहीं आएगा कि यार आखिर पोएट कहना क्या चाह रहा है, वो बताना क्या चाह रहा है। तो ये जो है ना वो बहुत विटी होती है, और आपको मैं एग्जाम्पल भी दूंगा और आप समझ जाएंगे कि किस तरह के एग्जाम्पल है ये, और आपको बहुत सारी चीज़ें समझने आने वाली है। ठीक है, इपिग्राम एक ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड से आया है इपिग्रामा, जिसका मतलब होता है इंस्क्रिप्शन करना। ठीक है, इंस्क्राइब करना, इंस्क्रिप्शन करना। बाद में इस वर्ड का मीनिंग जो है वो, या इस वर्ड को यूज किए जाने लगा पोएम्स के लिए। ठीक है, पोएम के टाइटल देने के लिए, पोएम का कैटेगरी का टाइटल दे दिया मतलब। ठीक है, मॉडर्न टाइम में एक्चुअली शॉर्ट पॉइंटेड पोएम इनको कहते हैं। जो वर्ड है, जो कि इसमें जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, यानी कि इन पोएम्स में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, वो एक्चुअली एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, यानी कि एक का मीनिंग दूसरे से जस्ट अपोजिट निकलता है। ठीक है, और समझ में नहीं आती ये बात कि यार क्या हो रहा है आखिर, बड़ा कंफ्यूजन वाली बात होती है, लेकिन ये बहुत विटी होती है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, मार्कस वैलेरियस मार्शलिस, ये व्यक्ति का नाम है मार्कस वैलेरियस मार्शलिस, ये इंग्लैंड में इसको मार्शल के नाम से जानते हैं। ठीक है, शॉर्ट में मार्शल के नाम से जानते हैं ये। एक्चुअली महाराज जो है वो लेटिन पोएट थे। ठीक है, और प्रेजेंट डे में स्पेन जहां पर है वहां के रहने वाले थे। बहुत पुराने हैं ये, 2000 साल पुराने, 86 से लेके 103 के बीच इनका जन्म माना जाता है। एक्चुअली इन्होंने एक बुक लिखी थी जो बेस्ट नोन है, यानी कि ये बेस्ट नोन किसके लिए, इनकी कुछ बुक्स है, 12 बुक्स ऑफ इपिग्राम्स। इपिग्राम्स पर इन्होंने 12 बुक्स लिखी थी, जो कि 86 से लेकर 103 CE, यानी कि सेंचुरीज में पब्लिश हुई थी, लोगों के बीच में आई थी, और इन्होंने ज्ञान दिया कि भैया इपिग्राम्स क्या होता है, उसको पूरा इलस्ट्रेट किया, उसको पूरा एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली में ये टर्म है क्या, और ये किस तरह से काम करती है, और किस लिए यूज इसका किया जाना चाहिए। ठीक है, इनको माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इपिग्राम्स। ठीक है, मॉडर्न इपिग्राम के फादर माने जाते हैं। किनको माने जाते हैं, मार्शल, इनका शॉर्ट नेम इंग्लिश में, लेकिन अगर लैटिन नाम आप लेंगे तो क्या है, मार्कस वैलेरियस मार्शलिस, ये इनका पूरा नाम है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, विलियम वॉर्ड्सवर्थ को आप जानते होंगे। ठीक है, बड़े ही फेमस नेचर पोएट रहे। उन्होंने एक बार ये कहा था, एक पोएम में अपने यूज किया है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। अब बच्चा आदमी का बाप कैसे हो सकता है, वो तो छोटा है ना, बट एक्चुअली में उसका कहने का मतलब ये था, ये बड़ा विटी है, समझने की बात है, कि जो बच्चा है वो एक दिन क्या बन जाता है, बाप बनेगा ना कि नहीं बनेगा, तो जाहिर सी बात है बाप बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा भी शेली साहब को आप पढ़ेंगे, विलियम शेक्सपियर को पढ़ेंगे, विलियम शेक्सपियर साहब भी अपने इसमें अलग अलग जगहों पर उन्होंने इपिग्राम्स का यूज किया है, टर्म का यूज किया है। ठीक है, लेट मी हैव टू मोर एग्जाम्पल्स, आई हैव नोटेड डाउन इट फॉर यू। कोआर्ट्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, उनकी मौत के पहले जो कायर है वो कई मौतें मरते हैं। तो इसका सिंपल सी बात है, मरते नहीं है एक्चुअली, डर कर वो अंदर छुप जाते हैं और अपना कुछ काम नहीं कर सकते, ये विलियम शेक्सपियर साहब ने कहा है। एक और बहुत ही गजब की जो इपिग्राम है वो मैं आपको बताता हूँ जो शेली साहब ने लिखा है। उन्होंने कहा है, अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट।
कहने का मतलब है कि हमारे सबसे मीठे जो गीत होते हैं एक्चुअली वो गीत होते हैं जो कि हमारे सबसे ज़्यादा जो सैडेस्ट थॉट है उनको एक्सप्रेस करते हैं। आप ही बताइए ज़रा कि ये कैसे हो सकता है कि एक गाना मीठा मधुर कैसे हो सकता है जबकि वो सबसे सैड थॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है या सैड थॉट को आपको एक्सप्रेस कर रहा है। तो बिल्कुल होता है, आप जब थोड़ा सा दुखी हो या कुछ ऐसा हो तो आपको जो गम भरे गीत है गाने हैं वो सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि वो रियलिटी ऑफ लाइफ आपको बताते हैं, एक्चुअलिटी बताते हैं कि लाइफ में एक्चुअल चीज़ क्या है और फैंसी चीज़ें क्या है, उनके बीच में डिफरेंस बताते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इन एग्जांपल्स में हर एक चीज़ अपने आप में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, जो वर्ड्स है वो अपने आप में जो सैडेस्ट है और स्वीटेस्ट है वो आपस में क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। मेन है और जो बॉय है वो आपस में, जो चाइल्ड है वो आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से जो पोएट्स हैं इनका यूज़ करते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, एपिग्राम क्या होते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। पीछे भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं, बहुत शानदार है, आप देखिए आपको बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन और नई जानकारी मिलेगी। और अगर आप पहले से जानते हैं तो ये वीडियो आपको किसी काम का नहीं है, स्किप कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो अनसब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि फालतू का नोटिफिकेशन आएगा और टाइम वेस्ट होगा उस पर क्लिक करके देखने में। ठीक है, रियल लाइफ जिए, मतलब रियल लाइफ जीना शुरू करिए, टाइम वेस्ट करना बंद कर दीजिए। ठीक है, फोकट का इंस्टाग्राम ये वो दुनियादारी की क्या है यार, क्या रखा है, कोई खाना देने नहीं आएगा, सही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। तो आज के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियोस, विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।